गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुतिज गुड लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का जो वीडियो है वो है बल्लारी में कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, अच्छे से खा सकते हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट। तो आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख ली, तो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी और मैंने रेटिंग दिया है रेस्टोरेंट्स को। और पहले इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, बट ये सिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है इन 3 साल में, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे कन्नड़ा आता तो मैं थोड़ी बहुत बोल देती, या फिर मुझे तेलुगू तमिल कुछ भी नहीं आती है, सो मैं ट्राई करूंगी कि इंग्लिश में सबटाइटल्स डाल दूं आप लोग। सबसे फर्स्ट जो होटल को रखा है मैंने वो है नक्षत्र होटल। तो होटल नक्षत्र में सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी है, मैंने इसे सबसे टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ की जो मेन कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको सुबह नाश्ता भी मिलता है, ब्रेकफास्ट, वहाँ पे इडली डोसा वड़ा सब कुछ मिलेगा और सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने खाई है वहाँ पे। और डिनर भी आप कर सकते हो वहाँ पे, लंच भी अच्छी है। सो बेसिकली फूड्स के मामले में ये बहुत अच्छा है। और अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, नॉर्थ साइड से हैं, यहाँ के नहीं हो, तो आपको उतना स्पाइसी खाने का आदत नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं वैसे वो बनाकर हमें देते थे, तो लाइक उन लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। और अगर आप यहाँ से भी हो तब भी आपको वो टेस्ट मिल जाएगी। यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, नॉनवेज बहुत अच्छा है, वेज सेक्शन अलग है। सो जो भी लोग वेजिटेरियंस हैं वो आप वेजिटेरियन सेक्शन में जाकर खा सकते हो, कर सकते हो। यहाँ के स्टार्टर्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाओगे नॉन वेजिटेरियंस हो तो नॉन वेजिटेरियन सेक्शन में जो फिश वाले स्टार्टर्स है ना उसे बिल्कुल ट्राई करना, बेस्ट है बेस्ट। और अब बात की जाए लाइक आप कहीं बाहर से हो और यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो स्टेइंग की ऑप्शन भी है, काफ़ी अच्छा बड़ा होटल है। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो एनवायरनमेंट के मामले में मैं इसे 2 out of 5 रेटिंग दूंगी बिकॉज अच्छा नहीं है, काफ़ी ओल्ड वाइब आती है यहाँ से। अब हमारी जो लिस्ट में सेकेंड पे है वो है रॉक गार्डन, जो आपको इन्फेंट्री रोड पे मिलेगी। यहाँ की बेस्ट पार्ट बताती हूँ सबसे पहले, यहाँ की जो बेस्ट पार्ट है वो है इसकी एनवायरनमेंट और इंटीरियर। यहाँ का जो वाइब है बहुत ही कूल है, यहाँ पे लाइट्स लगी होती है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं और ओपन स्पेस मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ की, वो आपको ओपन में खिलाया जाएगा, काफ़ी सारे टेबल्स हैं एंड आप खा सकते हो। अगर लंच करना है तो आपको ऊपर में खाना होगा क्योंकि उस समय बहुत धूप होती है दोपहर के टाइम में, तो वो ओपन में नहीं खिला पाते, बट इवनिंग के टाइम में वो लोग अच्छे से अरेंज कर देते हैं सारी चीज़ें, टेबल्स चेयर्स लगी होती है, आप वीडियोस में देख सकते हो और काफ़ी अच्छा लगता है। और अब बात की जाए कि यहाँ की खाना फूड कैसी है, फूड आर लाइक ओके ओके, नक्षत्र जैसे नहीं है बट या ठीक है, स्पाइसी रहती है थोड़ी। यहाँ पे आपको स्टार्टर्स वगैरह मिल जाएगी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए नॉन वेजिटेरियंस आइटम्स हैं, वेज भी मिलती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब जिन लोगों को जैसे कुछ ओपन स्पेस चाहिए होता है फॉर सेलिब्रेटिंग समथिंग लाइक बर्थडे, एंगेजमेंट पार्टीज, तो उनके लिए वहाँ पे स्पेस मिलेगी। रॉक गार्डन के अप साइड में छोटी छोटी हॉल्स बनी हुई हैं, ओपन हॉल्स, जहाँ पे आप अच्छे से कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, लाइक बर्थडे पार्टी है या फिर छोटी मोटी एंगेजमेंट पार्टी है। और अगर आपको बड़ा हॉल चाहिए शादी मैरिज वगैरह के लिए भी, तो वो भी उस साइड में अवेलेबल है। तो 2 तरह के हॉल्स वहाँ पे मिलेंगे और एक रीजनेबल प्राइस भी है। वहाँ के जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमने जब बात किया था रिवांस के बर्थडे के लिए तो उन्होंने सब कुछ के लिए ओके बोल दिया था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कहा और वो बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ तो नहीं हो सकता। तो बात की जाए कि वहाँ का सर्विस कैसा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने रिवांस के टाइम में बहुत ज़्यादा पे नहीं किया था, हमें एक अच्छा सा ओपन स्पेस मिला था स्क्वाड, और वहाँ पे उन्होंने सब कुछ डेकोरेट कर दिया था विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। सो सर्विस की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा, यहाँ की जो रेट्स कैसे है फूड्स की, तो वो थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू नक्षत्र, राइट। थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मैं, बिट एक्सपेंसिव, ओके। चलो सारी चीजें मैंने बता दी, आप वीडियोज में देख लो कैसी है। और अब बात करते हैं हम हमारी थर्ड नंबर पे, जो हमारी थर्ड होटल की लिस्ट है वो है फूड बेल्स, जो कि आपको रिलायंस ट्रेड के सामने में मिलेगी। अभी नया नया खुला है, 1 साल हो रहा होगा शायद, मैंने इसकी रिव्यू की है पहले चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी इसकी पूरी रिव्यू कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको खाने को मिलेगी। मैं फूड बेल्स एक फूड चेन है, ये एक होटल या एक रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी कोर्ट्स बनी हुई हैं हर चीज़ की। लाइक यहाँ पे एक फेमस कॉसिक चाट है वो भी वहाँ पे मिलेगा आपको, आपको नूडल्स खाना है वो भी आपको मिलेगी। मेन कोर्स कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे, बट स्टार्टर्स बहुत सारे हैं, लाइक लाइट कुछ खाना चाहते हो तो आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हो। और सो बेसिकली यहाँ पे आपको जाकर ऑर्डर देना होता है एंड देन वो जब कॉल करते हैं 10-15 मिनट वेट करने के बाद, तो आप वहाँ जाकर अपना ऑर्डर टेक अवे कर सकते हो, वो आकर आपको सर्व नहीं करेंगे अलग से, राइट। इट इज़ लाइक अ ओपन स्पेस इन विच यू हैव टू जस्ट ईट एंड रिलैक्स एंड ऑर्डर फर्स्ट, राइट। सो चलो ये अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो 4th नंबर पे है वो है नेचुरल्स।
जहाँ पे आप जाकर जूस पी सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जूसेस मिलते हैं आपको। ढेर सारा कलेक्शन है, लाइक एवोकेडो जूस, कीवी जूस, मैंगो रबड़ी, फालूदा विथ मैंगो, आइसक्रीम शेक्स, सारे तरह के शेक्स अवेलेबल हैं एंड कॉस्ट भी काफ़ी रीजनेबल है। सो वहाँ अगर आप जैसे कुछ ड्रिंक करना चाहते हो लाइक जूस वगैरह, तो आप जूस के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ जाकर ले सकते हो। एंड वहाँ पे भी ओपन स्पेस में खिलाते हैं, लाइक अंदर में एक रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो वीडियोस में, और उसके बाहर में भी कुछ कुछ स्टूल्स लगाए हुए हैं जहाँ पे बैठ कर आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। नेचुरल रेस्टोरेंट जो है जूस की, वो आपको एसएन पेट के पास में मिलेगी, ऑपोजिट कोर्ट, राइट। चलो अब हमारी जो लास्ट नंबर पे, हमारी जो लिस्ट के लास्ट नंबर पे रेस्टोरेंट है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो है बागीचा रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप जाकर खा सकते हो। वहाँ पे नॉन वेज आपको नहीं मिलती, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वहाँ जाकर इंजॉय कर सकते हो। अगर आप बल्लारी से हो तो वहाँ की टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वहाँ पे ओपन स्पेस है जहाँ पे अच्छे से बैठाकर खिलाया जाता है, इट इज़ लाइक रेस्टोरेंट ओनली। वहाँ पे मेन कोर्स भी मिलेगी, और नॉर्थ इंडियंस नहीं मिलती है, साउथ इंडियंस सारे आइटम्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं गई हूँ बिकॉज यहाँ की जो फूड है, एनवायरमेंट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बागीचा काइंड ऑफ बागीचा ही है, लाइक ओनली ट्रीज है, लाइट्स वगैरह भी नहीं है, तो एनवायरमेंट के मामले में, इंटीरियर के मामले में इसे मैं 1 out of 5 दूंगी। सो यहाँ पे आप जाकर एक बार ट्राई कर सकते हो। ये हमारी जो लास्ट लिस्ट पे वो है, हमारी जो सबसे अच्छी रेस्टोरेंट थी वो मैंने आपको 5 रेस्टोरेंट्स के अंदर बता दी है। एंड अगर आप इसके अलावा कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप होटल बाला, पोला उसिया यहाँ पे जा सकते हो। होटल बाला हम नहीं गए क्योंकि वहाँ घुसते साथ ही आपको बार मिलेगी जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, सो हम वहाँ नहीं जाते बच्चों के साथ। और अगर आप जैसे सिंगल हो, डेट नाइट के लिए जाना चाहते हो, अगर आप ड्रिंक करना चाहते हो तो वहाँ पे बार मिलेगी आपको, जहाँ पर आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो को अभी बनाने का एक ही रीजन था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं गुजरात, हमारा शिफ्टिंग हो रहा है। यस गाइस, हमारा शिफ्टिंग हो रहा है। सो मैंने सोचा कि इन 3 साल में मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया है यहाँ से, कुछ कुछ चीज़ें नॉलेज ली है खाने के मामले में, फूड्स के मामले में, तो वो आप सबसे शेयर कर दूँ, क्योंकि ये एक अधूरा चीज़ रह जाता अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो। एंड हम जा रहे हैं गुजरात, हमारा शिफ्टिंग हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहाँ पे मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट, लाइक बल्लारी में कहीं बाहर जाना चाहते हो, वीकेंड में घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गो एंड चेक इट आउट। लाइक अगर आप बल्लारी आते हो या बैंगलोर में हो तो हम्पी जरूर जाना, मिस मत करना, बिकॉज वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। बिकॉज हम्पी एक ऐसी हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ आप लोगों को बिल्कुल घूमना चाहिए और देखना चाहिए। सो वो वाली वीडियो भी मैंने फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बनाई है, और उसकी लिंक भी मैं सेकेंड वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सेकेंड लिंक उसकी मिलेगी एंड फर्स्ट वाली। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो, उसकी जो हैंडल है इंस्टाग्राम हैंडल वो मैं नीचे लिख दूंगी, आप देखकर जा सकते हो। एंड हर दिन अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ वहाँ पे, तो जाओ यार फॉलो करो जाकर। एंड बस इतना ही था इस वीडियो में, और अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उस पर मैं शेयर करने वाली हूँ कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको क्या सारी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक अगर छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो क्या सारी चीज़ें हमें पैक करना चाहिए और किस तरह से पैक करनी चाहिए, वो चीज़ पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो। और एक और चीज़, मैं गुजरात में कहाँ शिफ्ट होने वाली हूँ, अगर आपको कुछ भी आइडिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, गेस करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो रिवील करने वाली हूँ कि मैं कहाँ शिफ्ट करने वाली हूँ, गुजरात में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। सो अगर कुछ भी आइडिया, एनी गेसेस, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।